अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि चैप्टर नंबर टू के स्टार्ट से भी उसको भी ज़रा रिवाइज कर दें तो पहले हम चैप्टर नंबर टू के लास्ट उसके कुछ जो टॉपिक्स थे वो कवर कर चुके थे तो अब मैं दोबारा चैप्टर नंबर टू के स्टार्ट में जो कुछ टॉपिक्स हैं अभी उनको रिवाइज़ करवा रहा हूँ आपको तो चैप्टर नंबर टू का जो टाइटल है वह है बोलियन अलजबरा एंड लॉजिक गेट्स तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहली डेफिनेशन है वह है बोलियन वेरिएबल तो ऐसा कोई भी वेरिएबल जो सिर्फ वेरिएबल जो सिर्फ दो वैल्यूज़ वे, ले सके उस वेरिएबल को हम कहेंगे कि वो बोलियन वेरिएबल है फॉर एग्जांपल अगर एक्स मैं वेरिएबल को एक्स के साथ डिनोट करूँ तो अगर एक्स की वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो वन या ज़ीरो हो ऑन या ऑफ हो या इस तरह कोई अदर अदर टू वैल्यूज़ इसकी हों तो इस वेरिएबल को हम कहेंगे कि ये बोलियन वेरिएबल है इसके बाद है बोलियन अलज्रा तो अलजब्रा की ऐसी ब्रांच जो बोलियन वेरिएबल्स के साथ और इनके ऑपरेशनस के साथ और इनके इंट्रैक्शनस के साथ डील करती है उसको हम कहते हैं बोलियन अलब्रा फॉर एग्ज़ाम्पल इस बोलियन अलज्रा के अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह दो बोलियन वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर सकते हैं किस तरह उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं किस तरह उनका एंड ऑपरेशन कर सकते हैं किस तरह उनको आर कर सकते हैं किस तरह उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो ऐसी ब्रांच मैथ की जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस हों बोलियन अल्ज्रा के बारे में बोलियन वेरिएबल के बारे में उसको हम कहते हैं बोलियन अलजबरा इसके बाद बोलियन ऑपरेटर्स या बोलियन ऑपरेशन तो वो बेसिक जो ऑपरेशन हैं वो ये हैं नॉट गेट है नॉट ऑपरेशन है एंड और नैंड नॉर एक्सॉर एंड एक्स नॉर बोलियन नेक्स्ट डेफिनेशन है बोलियन एक्सप्रेशन या बोलियन फंक्शन तो अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिखें जिसमें प्लस एड या मल्टीप्लिकेशन या एंड और का सिंबल आ रहा हो और वो बोलियन वेरिएबल्स उसके अंदर आ रहे हो तो उस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे बोलियन एक्सप्रेशन एनी एक्सप्रेशन या एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग बोलियन वेरिएबल्स यूजिंग बोलियन ऑपरेटर्स उसको हम कहते हैं बोलियन एक्सप्रेशन या बोलियन फंक्शन फॉर एक्जाम्पल ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी अब प्लस यहाँ पे और को शो कर रहा है ए और बी बोलियन वेरिएबल्स हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहेंगे बोलियन एक्सप्रेशन और इस बोलियन एक्सप्रेशन की आउटपुट को अगर मैं एक वेरिएबल एफ के साथ डिनोट कर दूँ तो इस एफ को हम कहेंगे कि ये एक बोलियन फंक्शन है इसके बाद है लॉजिक गेट लॉजिक गेट हम किसी भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कहते हैं कि जो बोलियन इनपुट ले ऐसा कोई भी सर्किट या ऐसी कोई भी डिवाइस जो बोलियन वेरिएबल्स के इनपुट ले उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करे और प्रोसेसिंग करने के बाद उसे आउटपुट जनरेट कर दे तो उसको हम कहते हैं लॉजिक गेट तो बेसिकली लॉजिक गेट एक ऐसी डिवाइस है जो बोलियन वेरिएबल्स के ऊपर बोलियन वेरिएबल्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके आउटपुट जनरेट करती है अब जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं या जो बेसिक ऑपरेशन हैं जो लॉजिक गेट्स परफॉर्म करते हैं वो सबसे पहला आपको पता है नॉट गेट है नॉट गेट का सिंबल ये है एक ट्रायंगल से बना के एंड पे एक सर्कल तो अगर इसका ये सिंबल है अगर इसकी एक्स इनपुट है तो इसकी जो आउटपुट अगर मैं उसको एफ़ के साथ लिखूं तो इनपुट और आउटपुट और का जो रिलेशनशिप है वो तो एफ़ इज़िकल टू तो एक्स बार है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली इसको जो इनपुट है उसको इन्वर्ट कर देता है इसका जो टूथ टेबल है अगर एक्स जीरो है तो एफ वन है अगर एक्स वन है तो एफ हमारे पास जीरो है ओके अब यहाँ पे एक ने टर्म आ गई है टूथ टेबल तो टूट टेबल हम किसको कहते हैं टेबल विच द वैल्यूज ऑफ द आउटपुट बाइनरी वेरिएबल्स फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स एक ऐसा टेबल जो कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप डिफाइन करे और वो रिलेशनशिप इस तरह हो कि एक्स की या कोई भी जितने भी इनपुट्स हैं इनपुट्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए वो आउटपुट दे तो उस टेबल को हम कहेंगे कि तो ट्रू टेबल है तो ट्रू टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें इनपुट के जितने भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं वो आए और हर कॉम्बिनेशन के क्रॉसबॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट गिवन हो तो उस टेबल को हम कहेंगे कि वो टेबल है। तो सेकेंड हमारे पास है गेट है एंड गेट। ये इसका सिंबल है टू टू इनपुट एंड गेट है ए और बी अगर इसके इनपुट्स हैं तो इसकी जो एक्सप्रेशन है एंड ए और बी के दरमियान डॉट लगा दें या डॉट ना लगाएं तो दोनों एक्सप्रेशन ठीक हैं इस तरह इससे मल्टीपल वाला मल्टीपल इनपुट्स वाला भी एंड हो सकता है ए बी सी तो उसका एक्सप्रेशन बन जाएगा फिजिकल टू एंड बी एंड सी एंड सो ऑन आप कित कितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स वाला एंड गेट उसकी इक्वेशन या उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अगर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाएं तो ए और बी अगर बोली वेरिएबल्स हों ऐप उसकी आउटपुट हो तो ये जीरो जीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो एंड वन वन तो ये टू टेबल है तो एंड गेट आउटपुट उस टाइम पे वन देता है जब दोनों इसकी इनपुट्स वन हैं अदरवाइज इसकी आउटपुट और, ज़ीरो रहती है उसके बाद है और गेट ये इसका सिंबल है ये इसकी इक्वेशन है ये टू इनपुट और गेट है तो टू टेबल इसका बनेगा ए बी एफ तो आर गेट अगर एक भी इसकी इनपुट वन पे है तो इसकी आउटपुट वन आएगी अदरवाइज इसकी आउटपुट जीरो रहेगी इस तरह मल्टी इनपुट जो आर गेट है उसको भी आप उसका भी टू टेबल ड्रा कर सकते हैं अगर कोई सी एक इनपुट वन पे है तो आउटपुट वन होगी अगर सारी की सारी इनपुट जीरो हैं तब इस गेट की आउटपुट जो है वो जीरो आती है नैन गेट नैन गेट अगर आप जो एंड गेट हमने है उसको नॉट कर दें उसके आउटपुट पे नॉट गेट लगा दें तो वो नैंड गेट बन जाता है तो इससे बबल से पहले पहले ये एंड है तो ये बबल नॉट को शो कर रही है तो अभी हमारे पास नैंड गेट बन गया अब इसकी क्वेश्चन है एफ इजल टू ए एंड बी ऊपर कॉम्प्लीमेंट या बार अब अगर आप इसका टू टेबल बनाएं ए बी एफ तो ज़ीरो एंड ज़ीरो तो आंसर से ज़ीरो आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वन आएगा तो जो बेसिकली एंड का एंड की आउटपुट थी अगर हम उसी को कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास ये नैंड गेट का जो टू टेबल है वो बन जाता है तो नैंड गेट की आउटपुट उस टाइम पे जीरो आएगी जब सारी की सारी उसकी इनपुट्स बन होंगे फॉर एग्जांपल अब ये वन है ए भी वन हो B भी वन हो तो वन एंड वन आंसर वन आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ये जीरो बन जाएगा इस तरह नॉर गेट है आप अगर और गेट की आउटपुट पे नॉट गेट लगा दें तो वो नॉर गेट बन जाता है इसका एक्सप्रेशन है फिजिकल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इसका टू टेबल बनाएं तो ये जो और गेट की आउटपुट थी उसको इनवर्स कर दें तो ये नॉर गेट का टू टेबल बन जाता है तो और गेट में सिर्फ यहाँ पे जीरो था बाकी सारे वन थे उसको हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो ये वन ट्रिपल जीरो ये इसकी आउटपुट आ गई इसके बाद जॉर गेट ये इसका सिंबल है यहाँ पे डबल ये कर्व्ड लाइन्स हैं इसके सिंबल में और की तरह है लेकिन और में एक ही लाइन है यहाँ पे डबल लाइन्स हैं तो इसकी जो इक्वेशन है फिजिकल टू ए जोर ये जोर का सिंबल है प्लस के ऊपर अगर आप सर्कल डाल दें तो ये ज़ोर गेट बन जाता है तो ये ए जोर भी इसको ऐसे पढ़ेंगे और अगर इसको एक्सपेंड करें फर्दर तो ये इसकी इक्वेशन बनती है ए बार बी प्लस बी बार ए तो जोहर गेट की प्रॉपर्टी है जब इसकी दोनों इनपुट्स अपोजिट लेवल पे होती हैं तब इसकी आउटपुट बन आती है अदरवाइज इसकी जो आउटपुट है वो जीरो रहती है इस तरह जो एक्स नॉर्थ गेट है वो एक्स जोहर का कॉम्प्लीमेंट होता है अगर आप एक्स जोहर गेट की आउटपुट पे नॉट गेट लगा दें तो एक्स नॉर्थ गेट बन जाता है तो इसकी इक्वेशन है इज गुड वे जहर बी ऊपर कॉम्प्लीमेंट तो अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो ये बन जाता है ए बार बी बार प्लस ए बी यहाँ पे इसका ट्रू टेबल जो है वो जस्ट एक्स और का इन्वर्टेड है यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे वन आ जाएगा ये वन वन है तो ये जीरो, जीरो जीरो और ये वन तो एक्स नॉर गेट उस टाइम पे आउटपुट वन प्रोड्यूस करता है जब इसकी इनपुट सेम लेवल पे हो दोनों जीरो जीरो हों या दोनों वन वन हों तो ये आउटपुट वन प्रोड्यूस करता है अदरवाइज इसके आउटपुट जीरो रहती है ओके ये हमारे पास बेसिक गेट्स थे तो या भी कह सकते हैं कि ये बेसिक गेट्स थे जो बोलियन वेरिएबल्स के ऊपर डिफरेंट बोलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं उसके बाद है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बोलियन अलजब्रा अलजबरा की बोली नलजब्रा की बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्स प्लस ज़ीरो अब जहाँ जहाँ पे भी प्लस आएगा वो एक्चुअली और ऑपरेशन को शो कर रहा होगा अगर आप एक्स प्लस ज़ीरो अगर एक्स के अंदर एक्स को और करें ज़ीरो के साथ तो आंसर आएगा एक्स तो एक्स के साथ और करने से ज़ीरो को एक्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह एक्स अगर इसका नेक्स्ट दूसरा वर्जन ये इस साइड में जितने भी एक्सप्रेशन हैं वो सारे उसके अंदर और गेट यूज़ हो रहा है और ऑपरेशन हैं और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंड के साथ हैं तो अगर एक्स प्लस ज़ीरो एक्स और जीरो इज ईक्ल टू एक्स है तो अगर आप इस प्लस को रिप्लेस कर दें एंड के साथ और जीरो को कर दें वन के साथ तो एक्स एंड वन इज़ इक्वल टू तो एक्स तो वन बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन है एक्स मल्टीप्लाई बाई वन इज़ इक्ल टू एक्स ओके okay, अब दूसरी प्रॉपर्टी एक्स प्लस एक्स बार ये हमेशा वन होता है फॉर एक्जाम्पल अगर एक्स की वैल्यू वन है तो एक्स बार ज़ीरो हो जाएगा और वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन या वन और जीरो इज इक्वल टू वन इस तरह एक्स एंड एक्स बार ये हमेशा जीरो रहता है वन अगर एक्स की वैल्यू वन है तो एक्स बार ज़ीरो होगा वन एंड ज़ीरो इज एकवल टू ज़ीरो एक्स और एक्स इज इक्वल टू एक्स कि अगर आप दो सेम वेरिएबल्स को और ऑपरेशन करें या कि एक ऐसा और गेट लें जिसके दोनों इनपुट्स के ऊपर एक्स अप्लाई कर दें तो उसकी आउटपुट भी एक्स आएगी इस तरह एक्स एंड एक्स इज इक्ल टू एक्स ठीक है अगर दो सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाएं या एंड करवाएं तो वो आंसर वही आता है फोर प्रॉपर्टी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन एक्स के साथ और करें वन तो आंसर वन आएगा एक्स की वैल्यू जीरो है चाहे वन है फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो रखें जीरो प्लस वन आंसर तब भी वन अगर एक्स वन है वन प्लस वन, आंसर तब भी इसी तरह एंड एक्स डॉट जीरो इज जीरो अब एक्स चाहे जीरो है तब भी आंसर जीरो चाहे वन है तब भी आंसर जीरो फाइव एक्स कॉम्प्लीमेंट अगर आप एक एक्स कॉम्प्लीमेंट है उसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए की वेरिएबल का दो दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लेने से आंसर वही आ जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स ज़ीरो है पहली दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लिया एक्स वन बन गया दूसरी दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लिया दोबारा ज़ीरो हो गया तो आंसर आपका सेम हो गया इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर सिक्स है एक्स प्लस वाई इज टू तो वाई प्लस एक्स तो ये बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि आप एक्स प्लस वाई कर लें या वाई प्लस एक्स कर लें उससे आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये और की फॉर्म में एंड की फॉर्म में ये बन जाएगी एक्स एंड वाई इज गु वाई एंड एक्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि एक्स प्लस वाई प्लस जी पहले वाई प्लस जी कर लें कि वाई और जी जेड वेरिएबल को गेट कर लें फिर इसके आंसर को एक्स के साथ और कर लें तो ये सेम है कि पहले आप एक्स और वाई को और कर लें और फिर उसका इसके आंसर का और परफॉर्म कर लें जेड के साथ तो ये इसकी और फॉर्म में इक्वेशन है और ये इसकी एंड फॉर्म एंड गेट को यूज करते हुए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि एक्स वाई प्लस जी एक्स को मल्टीप्लाई करवाए करवा रहे हैं वाई और जी के साथ तो ये बन जाएगा एक्स एंड वाई प्लस एक्स एंड जी तो अब ये दूसरी प्रॉपर्टी है एक्स प्लस वाई जी इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो बनते हैं एक्स प्लस वाई इस एक्स को इस वाई के साथ प्लस कर दें और इस एक्स को इस जी के साथ प्लस कर दें प्रॉपर्टी नंबर नाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिमॉर्गन लॉ है कि अगर आप एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इक्वल आता है एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें उसको कॉम्प्लीमेंट लें तो ये आंसर आएगा एक्स बार प्लस वाई बार टेन एक्स प्लस एक्स वाई ये इक्वल है एक्स के एक्स इंटू एक्स प्लस वाई ये इक्वल है एक्स के ओके okay, अब ये सारी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी हैं तो अब इनको वेरीफाई किस तरह किया जाए कि ये क्या वाकई ट्रू हैं तो इनका जो मैं एक दो वेरीफाई कर रहा हूँ बाकी का सब का प्रोसीजर वो सेम है लेटेस्ट सी हाउ टू वेरीफाई दी अबव प्रॉपर्टीज़ तो हम प्रॉपर्टी नंबर नाइन को देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमनली यूज़ होती है वो है ला तो ये फर्स्ट डिमार्गन लॉ है और ये सेकेंड डिमार्गन लॉ है तो हम देखते हैं कि इस फर्स्ट डिमार्गन लॉ को किस तरह वेरीफाई करते हैं तो ये हमारे पास एक्स प्लस को तो वाई का कॉम्प्लीमेंट तो इक्वल हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट तो ये बेसिकली हमने वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है तो वेरीफिकेशन का सबसे आसान तरीका है कि हम ट्रूथ टेबल बना लें लेफ्ट हैंड साइड का भी ट्रूथ टेबल ड्रा करें और राइट हैंड साइड का भी तो सबसे पहले मैंने x और y कॉलम बनाए तो x ज़ीरो जीरो जीरो वन वन ज़ीरो एंड वन, वन वन उसके बाद ये x बार x बार आ रहा है तो मैंने यहाँ पे x बार ड्रा किया हुआ है x बार तो इस प्लस को इग्नोर कर दें ये ऐसे ही लिखा हुआ है तो ये x बार है तो यहाँ पर x बार का मतलब है कि आप इस x को कॉम्प्लीमेंट करें तो ये वन वन ज़ीरो जीरो हो जाएगा इस तरह वाई बार हमें चाहिए तो ये इसको इस कॉलम को कॉम्प्लीमेंट किया तो वन जीरो वन जीरो आ गया अब इस साइड में देखें तो एक्स प्लस वाई आ रहा है तो एक्स प्लस वाई को वैल्यूएट किया एक्स प्ला एक्स प्लस वाई का मतलब है एक्स और वाई का और तो ये एक्स का कॉलम है ये वाई का कॉलम है इन दोनों को और किया अगर दोनों में एक जगह पे भी वन आ रहा है तो वो वन आएगा अदरवाइज जीरो रहेगा तो यहाँ पे एक्स जीरो है वाई जीरो है तो आंसर जीरो आएगा बाकी सब में आंसर इसका आ जाएगा वन आप जब हम एक्स प्लस वाई को कॉम्प्लीमेंट करेंगे मतलब इस कॉलम का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये ज़ीरो को वन के साथ रिप्लेस कर देंगे और ये तीनों वन तीन जीरो उसके साथ रिप्लेस हो जाएंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका ये आंसर आ गया वन ज़ीरो ज़ीरो इसी तरह जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड है उसमें एक्स बार एंड वाई बार आ रहा है तो मैं इसको लिख रहा हूँ ये एक्स बार का कॉलम है ये वाई बार का कॉलम है तो एक्स बार और वाई बार को मल्टीप्लाई किया वन एंड वन आंसर वन आ गया वन एंड जीरो आंसर जीरो आ गया ज़ीरो एंड वन आंसर ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो आंसर ज़ीरो तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास राइट हैंड साइड है तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का सारा कॉलम राइट हैंड साइड के सारे कॉलम के सेम है तो इट मीन्स कि ये एक्सप्रेशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ये ट्रू है तो यहाँ से हमने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई किया कि x y का और बार इज इक्वल टू x बार एंड y बार सो इट इज वेरीफाइड दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इट मींस दैट लेफ्ट हैंड साइड क्या थी x y का कॉम्प्लीमेंट और राइट हैंड साइड क्या थी x बार एंड y बार अब एडवर्गन का सेकंड लॉ है अगर आप x y का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो ये आता है x बार प्लस वाई बार ये हमारे पास डिमार गल रहा है तो उसी तरह दोबारा हम टू टेबल में आएंगे तो एक्स बार लिया फिर उसके बाद वाई बार उसके बाद एक्स और वाई का ये आंसर आ रहा है जीरो ज़ीरो जीरो वन अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे लें तो ये बन जाएगा वन वन ज़ीरो तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इस तरह राइट हैंड साइड पे एक्स बार प्लस वाई बार है तो ये एक्स बार है ये वाई बार है दोनों को प्लस करें मतलब और करें वन प्लस वन आंसर वन वन प्लस जीरो वन जीरो प्लस वन वन जीरो प्लस जीरो जीरो साइड राइट हैंड साइड दोबारा सेम है तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ट्रू है तो ये डिमार्गन का सेकंड लॉ है ओके okay, अब जिस तरह हमने ये प्रॉपर्टी नंबर नाइन वेरीफाई की है ये वाली है. अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपको समझ नहीं आई या आपको उसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल सेम अप्रोच से उसका टू टेबल ड्रा करें टू टेबल ड्रा करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को एवेलुएट करें और राइट हैंड साइड को देखें तो आप देखेंगे कि आंसर आपका हमेशा सेम आएगा तो इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप कोई सी भी जो ऊपर प्रॉपर्टीज गिवन है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं तो प्रोसीजर क्या है कि आप टू टेबल ड्रा करें किसी भी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है और वेरीफाई कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के ओके okay. नेक्स्ट है हमारे पास डुअलिटी प्रिंसिपल या डुअल एक्सप्रेशन तो डुअलिटी प्रिंसिपल या डुअल एक्सप्रेशन ये क्या है तो ये पहले डुअलिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिखी हुई है इफ फॉर एन अल्जबरिक एक्सप्रेशन द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स अगर किसी भी अलजबरिक एक्सप्रेशन में इस तरह होल्ड कर रहा हो कि लेफ्ट हैंड साइड उसकी सेम आ रही हो राइट हैंड साइड के जिस तरह के ऊपर अभी हमने प्रूव किया कि ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड थी अब हमें पता है कि ये एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड ये दोनों सेम है हमें ये गिवन है अगर किसी अलजबरिक एक्सप्रेशन के लिए ये रिलेशनशिप होल्ड करता हो कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो उसकी राइट हैंड साइड के देन द सेम स्टू सेम स्टू का मतलब है कि यही रिलेशनशिप होल्ड करेगा फॉर इट्स डूल एक्सप्रेशन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का डूबल ले लें ले और राइट हैंड साइड का डूबल ले लें ले, तब भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमेशा सेम रहेगा राइट हैंड साइड के तो ये डुअलिटी प्रिंसिपल है डुअलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है राइट हैंड साइड के तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड का भी डुअल एक्सप्रेशन ले लें और राइट हैंड साइड का भी डुअल एक्सप्रेशन ले लें तो फिर भी जो लेफ्ट हैंड साइड का डुअल एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड का डुअल एक्सप्रेशन वो दोनों सेम होंगे ये डुअलिटी प्रिंसिपल है अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी एक्सप्रेशन का चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर है या कोई और जेनेरिक एक्सप्रेशन है उसका हम डुअल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं डुअल कैसे लेते हैं तो हाउ टू राइट द डुअल एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन तो जब भी आपने डुबल लेना है तो उसके अंदर दो स्टेप्स हैं फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने उस डूबल एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ जहाँ पे और आ रहा है और एंड आ रहा है और गेट को आपने रिप्लेस कर देना है एंड के साथ मीनिंग ये कि जहाँ पे और ऑपरेशन आ, आ रहा है उसको रिप्लेस कर दें एंड के साथ अगर एंड आ रहा है तो उसको रिप्लेस कर दें और के साथ डुबल एक्सप्रेशन लेने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है सेकेंड स्टेप ये है अगर उसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर जीरोस आ रहे हैं तो उनको रिप्लेस कर दें वंस के साथ और वंस आ रहे हैं तो उनको रिप्लेस कर दें जीरोस के साथ तो जब भी हमने किसी भी एक्सप्रेशन का डुअल एक्सप्रेशन लेना है तो हमने ये दो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं आर को रिप्लेस करना है एंड के साथ और एंड को रिप्लेस करना है और के साथ जीरोस को रिप्लेस करना है वंस के साथ और वंस को रिप्लेस करना है जीरोस के साथ ओके okay. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स तो अब मैं इसका अगर डूबल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड का डूबल क्या बनेगा ये प्लस है इसकी जगह एंड आ गया या ये और है तो इसकी जगह एंड आ गया ये ज़ीरो है इसको मैंने वन कर दिया तो ये इस लेफ्ट हैंड साइड का डबल एक्सप्रेशन बन गया तो एक्स प्लस जीरो का डूबल है एक्स डॉट वन अब इधर कोई ना जीरो है ना वन है तो ये एक्स को मैं एज इट इज़ लिख दे लिख रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा तो अब एक्स प्लस जीरो का डुअल आ गया एक्स डॉट वन इज इक्वल टू एक्स अगर ये इक्वेशन ट्रू है अब डुअलिटी प्रिंसिपल अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो ये इसका डुअल एक्सप्रेशन है तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड तो और राइट हैंड साइड तो हैं इसकी सेम है कि मतलब ये भी ट्रू है ओके अब ये है एक्स प्लस एक्स बार इज इक्वल टू वन ये गिवन है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है ये सेम है अब अगर हम इसका डुअल लें एक्स प्लस एक्स बार तो ये प्लस को रिप्लेस करेंगे प्लस आर है आर को रिप्लेस करें एंड के साथ तो ये प्लस की जगह आ जाएगा एंड डॉट आ गया और ये वन है वन को रिप्लेस कर दिया जीरो के साथ तो अब क्योंकि ये एक्सप्रेशन ट्रू है इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो इट मीन्स दैट के ये वाला एक्सप्रेशन भी ये भी ट्रू है तो ये ड्वेलिटि प्रिंसिपल है कि अगर आप गिवन एक्सप्रेशन से जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है ट्रू है आप जब डुअल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो हमेशा सेम होती है ओके एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स तो अगर मैं इसका डूबल लिखूं तो इस प्लस को रिप्लेस करूँगा डॉट के साथ तो ये बन जाएगा एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स क्योंकि अब यहाँ पे कोई जीरो वन नहीं आ रहा तो अब ये इसका डूबल है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये बना है इसका डूबल कैसे बनेगा एक्स प्लस वन इस प्लस को रिप्लेस कर दें डॉट के साथ इस वन को रिप्लेस कर दें जीरो के साथ तो ये 0 0. ये एक्स एक्स डॉट जीरो जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड का डबल क्या बनेगा प्लस को रिप्लेस कर दें डॉट के साथ तो इधर भी ये प्लस है इसको भी रिप्लेस कर दें डॉट के साथ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स नेक्स्ट है जी एक्स डॉट वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जी ये हमें गिवन है कि हमें पता है कि एक्स डॉट एक्स डॉट आगे वाई प्लस जी इक्वल होता है एक्स वाई प्लस एक्स जी के तो अगर मैं दोनों साइडों का डुबल लूँ तो इस साइड का डुबल क्या बनेगा ये जो डॉट है एंड ये रिप्लेस हो जाएगा प्लस के साथ ये देखेंगे ये इस डॉट इसको रिप्लेस कर दिया प्लस के साथ और ये जो प्लस वाई और जी के देवन प्लस आ रहा है ये डॉट के अंदर चेंज हो गया तो अब ये रिलेशनशिप बन गया एक्स प्लस वाई एंड जी तो ये इसका डूबल है अब ये इसकी राइट हैंड साइड है एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जी इसका अगर डूबल लेंगी तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई क्योंकि एक्स और वाई के दरमियान डॉट है तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई ये प्लस ये एंड के अंदर कन्वर्ट हो गया एक्स एंड जी ये कन्वर्ट हो गया एक्स प्लस जी के अंदर तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है अगर ये सेम है या इक्वल हैं तो ये इनके डुअल एक्सप्रेशन हैं तो ये भी सेम होंगे ओके okay, नेक्स्ट है हमारे पास डिमार्गन लॉ डिमार्गन लॉ के जो एक्सप्रेशन हैं दो जो डिमार्गन लॉ वो दोनों एक दूसरे के डुअल हैं फर्स्ट डिमार्गन लॉ है, है एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट तो ये हमें पता है इक्वल एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट तब तो अगर आप इसका डुअल लें तो डुअल के अंदर क्या है और को चेंज करना है एंड के साथ तो ये और है प्लस इसको मैंने एंड कर दिया तो इन एक्स बार एंड वाई बार इन दोनों के एंड आ रहा है तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया तो ये बन गया एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट तो ये फर्स्ट डिमार्गन ला है ये सेकेंड डिमार्गन ला है तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एक डिमार्गन ला कर डुअल एक्सप्रेशन लिखें तो वह दूसरा डिमार्गन ला बन जाता है तो ये जो ऊपर आपके पास हम, हमने ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज का जो टेबल पड़ा है यहाँ पे ये टेन जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इस साइड पे लिखी हुई हैं लेफ्ट हैंड साइड पे इन सब का अगर आप डूबल लें तो ये राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं तो ये बेसिकली एक्स प्लस ज़ीरो का डूबल है एक्स डॉट वन इज इक्वल टू एक्स तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वन से टेन जो लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखी हुई हैं अगर आप इनका डूबल लें तो ये एक्सप्रेशन बन जाते हैं तो अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता है फॉर एक्जाम्पल आपको ये पता है कि एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई बार तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि जो दूसरा एक्सप्रेशन होगा अगर इसका डुअल लें तो दूसरा वो भी ट्रू बनेगा ओके okay, तो ये था हमारे पास डुअलिटी प्रिंसिपल और डुअल एक्सप्रेशन नेक्स्ट है जी टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ़ गिवन बोलियन एक्सप्रेशन के गिवन जो हमारे पास बोलियन एक्सप्रेशन है उसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लेते हैं तो so जब भी कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने लेना है उसके लिए रिमार्गन ला आपको हमेशा रिकॉल करना है आपके जहन में होना चाहिए फर्स्ट रिमार्गन ला ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट तो वो इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर आप ये देखें कि जब ये जो कॉम्प्लीमेंट है जब इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं तो ये जो बड़ा सा कॉम्प्लीमेंट है ये हर वेरिएबल के ऊपर अलग अलग आ जाएगा और जो प्लस है वो जो और है वो एंड के साथ चेंज हो जाएगा सेकंड के अंदर जो मार्गिन लॉ के अंदर देखें ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट तो इसको भी जब हमने इस ब्रैकेट के अंदर एक्सपेंड किया इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रैकेट के अंदर एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट अलग अलग आ जाएगा हर वेरिएबल के ऊपर और जो एंड है वो और के अंदर चेंज हो गया तो दोनों डिमार्गन लॉ के ऊपर अगर आप नोट लिखें एक कि एक अपने समझने के लिए एक आसानी के लिए तो जब भी आपने एक बड़े एक्सप्रेशन के ऊपर डी डिमार्गन लॉ को एवेल्यूएट करना है तो आपने ये जो ऊपर कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन है ये हर वेरिएबल के ऊपर ड्रा कर देनी है उस एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं सब के ऊपर आपने कॉम्प्लीमेंट की लाइन लगा देनी है दूसरा आपने क्या करना है अगर उसके अंदर और आ रहा है तो उसको रिप्लेस कर देना है एंड के साथ और अगर एंड आ रहा है तो उसको रिप्लेस कर देना है और के साथ तो ये बेसिकली दोनों डिमार्गन लास्ट को सिंपली सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है ओके ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है एफ इज एक प्लस बी बार सी क्वेश्चन ये है कि इसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए एफ है मैं इधर भी कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ इधर भी कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो ये बन गया ए प्लस बी बार सी होल का कॉम्प्लीमेंट अब मैंने इसको एवेलुएट करना है तो ये मेरे पास फ़र्स्ट एक्सप्रेशन है या फर्स्ट वेरिएबल है या बी बार एंड सी इसको मैं ट्रीट करूँगा कि एक सेकेंड वेरिएबल है तो मैं अब ये रूल अप्लाई करूँगा बेसिकली यहाँ पे डिमार्गन लॉ वन यूज़ हो रहा है तो क्या रूल कहता है कि जब आपने बड़ी वाली बार को जो सब के ऊपर आ रही है जब इंटरनली इसको एवेल्युट करना है तो बार आपने हर वेरिएबल के ऊपर अली लिख देनी है तो ये जो बड़ी बार है जब मैंने इसको एक्सपेंड किया ए के ऊपर भी बार डाल दी बी बार सी इसके ऊपर भी बार डाल दी या इसका भी कॉम्प्लीमेंट कर लिया और इस प्लस को चेंज कर दिया डॉट के साथ तो बेसिकली ये मैंने रूल नंबर वन अप्लाई किया है okay, ओके अब यहाँ पे ए बार आ गया ये डॉट एज इट इज़ अब इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर एवेल्यूएट कर सकते हैं इसके ऊपर ये रिमार्कन ला टू यूज़ हो रहा है तो अब वो क्या है कि अब ये अब बड़ी बार है बी ओ बी बार और सी के ऊपर आ रही है जब आपने इसको इवेल्यूएट करना है इस बड़ी बार को ब्रेक करना है एक बार आ जाएगी बी बी बार के ऊपर दोनों के दरमियान में एंड है तो वो प्लस बन गया सी के ऊपर आ जाएगी बार वो बन जाएगा सी बार तो अब ये बन गया बी डबल बार प्लस सी बार तो हमारे पास दो अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि एक ही वेरिएबल का अगर आप दो दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लें तो आंसर वही वेरिएबल आ जाता है तब ये इसका इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट बन गया ए बार एंड बी प्लस सी बार ओके जब भी हमने डिबार्गन कॉम्प्लीमेंट uh, लेना है तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने जेन में रखनी है कि जब भी आपने बड़े एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट लेना है जब उसको एवेल्यूएट करना है तो वो कॉम्प्लीमेंट उस एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आ रही हैं या टर्म्स आ रही हैं उन सब के ऊपर जाएगा और दरम्यान में अगर प्लस है तो उसको रिप्लेस कर देना है एंड के साथ अगर एंड है तो उसको रिप्लेस कर देना और के साथ ओके okay. अब यहाँ पे हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है कि एफ इज इक्वल टू ए बार बी बार एंड सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार अब दोबारा क्वेश्चन है कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें इस फंक्शन का तो हमने क्या करना है दोनों तरफ बार ले लें इधर भी बार ले ली इधर भी बार ले ली अब ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है ये थर्ड टर्म है जब मैं इस बड़े वाली बार को वैल्यूएट करूँगा तो अभी जस्ट वही लिखा हुआ है जब इस बड़े वाली बार को मैं अवेल्यूट करूँगा तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि ये बार इसके ऊपर भी अलहदा आ जाएगी इसके ऊपर भी भीदा आ जाएगी इसके ऊपर भी अलहदा आ जाएगी और ये जो प्लस प्लस आ रहे हैं ये डॉट डॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो बड़ी जो बार है कॉम्प्लीमेंट वाली उसको हमने इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर वो डिवाइड कर दिया और दरमान में जो और ऑपरेशन आ रहे थे उनको चेंज कर दिया एंड ऑपरेशन के अंदर ओके okay, अब हमने इंडिविजुअल टर्म्स को एक्सपेंड करना है अब ये इंडिविजुअल टर्म्स है अब इसके ऊपर डिमार्गन लॉ यूज़ होगा ए बार एंड बी बार एंड सी अब तीनों के दरम्यान में आ रहा है एंड और उस एंड को सबसे पहले हमने चेंज कर दिया और के अंदर और ये जो कॉम्प्लीमेंट है बड़े वाला वो दोनों पे लगा दिया ए बार तो ऊपर से इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा ए बार पहले वाला और जो हम इसको जब यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा ये बी बार ये भी बड़े वाला कॉम्प्लीमेंट एवेलुएट होगा तो इसके ऊपर एक और बार आ जाएगा तो बी डबल बार बन गया सी के ऊपर कोई बार नहीं है तो जब ये एवेल्युएट होगा तो ये सी बार बन जाएगा इस तरह जब हम इसको इस एक्सप्रेशन को एवेल्युट करेंगे तो ये जो बड़े वाला बार है जब ये अंदर आएगा एवेल्युएट होके तो ए बार के ऊपर एक और बार आ जाएगा बी के ऊपर एक बार आ जाएगा सी के ऊपर एक बार आ जाएगा और इन दोनों के दर इन के दरमियान में एंड है तो वो और के अंदर चेंज हो जाएगा इसी तरह जब हम इसको वैल्यूएट करेंगे ए बी बार तो ए के ऊपर को कोई बार नहीं है तो ए बार बन गया इन दोनों के दरमियान में एंड है तो वो और बन गया बी बार सिंगल तो जब ये ऊपर से इसका ऊपर आ गया तो बी डबल बार बन गया ओके अब ए डबल बार सेम है ए के बी डबल बार सेम है बी के प्लस सी बार ए डबल बार ए के इक्वल आ गया प्लस बी बार प्लस सी बार ये ए बार प्लस बी डबल बार सेम है बी के तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट लेते हुए मेन रूल क्या है कि जब आपने बड़े वाले एक्सप्रेशन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट को अवेल्यूएट करना है तो कॉम्प्लीमेंट आपने हर इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर लिखना है और जो इंडिविजुअल टर्म्स के दरम्यान में जो ऑपरेशन आ रहा है अगर वो और चेंज कर दें एंड के साथ अगर एंड है तो उसको चेंज कर दें और के साथ ओके फंक्शन सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बोलियन अलजबरा हमारे पास बोलियन uh, एक्सप्रेशन हैं तो हम उसको अगर बोलियन अलजबरा को यूज करते हुए हम चाह रहे हैं कि उनको सिंप्लीफाई किया जाए उनके रिप्रेजेंटेशन को सिंप्लीफाई कर दें फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन है एफ इज ए गुड ए ए बार प्लस बी क्वेश्चन ये है कि इसको सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन टू द मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स के कम से कम टर्म्स के अंदर आप इस फंक्शन को एक्सप्रेस करें लिखें तो हमारे पास गिवन फंक्शन है ए ब्रैकेट ए बार प्लस बी तो आप इस ए को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर भी पढ़ी है वो टेबल से हम यूज़ कर रहे हैं अब हमें पता है ए एंड ए बार वो ज़ीरो होता है अभी प्रॉपर्टी पड़ी है एक्स एंड एक्स बार वाली तो वो जीरो हो गया प्लस ये ए बी अब ए बी का आप अगर आप जीरो के साथ और करेंगे तो आंसर ए बी ही आ जाएगा तो अब इन इस सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम बेसिकली जो ऊपर प्रॉपर्टीज हमने बोली जबरा की पढ़ी हैं वो यूज़ कर रहे हैं सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेकेंड के अंदर ए एंड ए बार इज जीरो वो वाली थर्ड के अंदर जीरो एक और एग्जाम्पल है इसको भी सिंप्लीफाई करें ए प्लस बी एंड ए प्लस बी बार ए को ए के साथ एंड करें ए ए बन गया ए को बी बार के साथ हुई ए बी बार बी को ए के साथ बी ए और बी को बी के साथ बी बार के साथ हुई बी बी बार बन गया तो ये बेसिकली हमने टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई किया है पहले ए को ए और बी बार के साथ फिर बी को बी ए और बी बार के साथ जिस तरह कॉमनली हम ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अब यहाँ पे सिंपलीफिकेशन करनी है ए एंड ए बन गया ए बी बार सिंप्लीफाई नहीं होता तो एज इट इज आ गया बी ए सिम्पलीफाई नहीं होता एज इट इज आ गया बी एंड बी बार इज जीरो बन गया अगर आप देखें इन तीनों में ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लिया इधर वन बच गया बच जाएगा इधर बच जाएगा बी बार इधर बच जाएगा बी अब बी प्लस बी बार ये वन होता है और वन प्लस वन वन हो जाएगा तो ए एंड वन तो ए के इक्वल आ गया तो बेसिकली अभी जो पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ इतना कॉम्प्लेक्स तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ए के इक्वल है ओके okay, नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है हमारे पास एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस ए प्लस बी सी तो इस फंक्शन को अगर आप देखें तो ये इसी गिवन फॉर्म में सिंपलीफाई नहीं हो रहा तो अब यहाँ पे इनमें कोई भी टर्म कॉमन हो के वो वन नहीं बन रही या जीरो ज़ीरो नहीं बन रही तो इसके अंदर हम एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं ट्रिक ये है कि ये बी सी आप या इसके साथ किसी एक वेरिएबल के साथ आप डॉट लिख दें वन क्योंकि आपको होता है बी सी इज़ टू बी सी डॉट वन कि आप किसी भी टम को डॉट वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है एक्स डॉट वन इज इक्वल टू एक्स तो, तो यहाँ पे बेसिकली वो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या किया इस बी सी के साथ डॉट कर दिया वन को अब आगे हमने पता है कि वन को हम इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस ए बार या आप इस तरह भी लिख सकते हैं बी प्लस बी बार सी प्लस सी बार तो आप कोई सी भी यहाँ पे वो लिख सकते हैं तो अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है ए प्लस ए बार बाकी दो टर्म्स वैसे की वैसे हैं। अब इस बी सी को जब अंदर मल्टीप्लाई करें करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी सी इस बी सी को जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बार बी सी ओके अब ये ए बी और ये ए बी सी इन दोनों में ए बी कॉमन है इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर ए बी कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच जाएगा इस ए बी की जगह वन और इसकी जगह बच जाएगा सी इस तरह अगर आप ये देखें ए बार और सी इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर कॉमन है ए बार सी तो ये हमारे पास आएगा वन प्लस बी तो वन प्लस बी ये हमारे पास आप ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी है वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन तो आप वन और बी तो आंसर इसका वन आएगा वन और सी इसका आंसर भी आएगा वन तो ए बी डॉ एंड वन ए बी बन गया ए बार सी डॉट वन तो ये हमारे पास ए बार सी ये आ गया आंसर तो ये जो फंक्शन गिवन था इसके अंदर थ्री टर्म्स थी अब ये टू टर्म्स के अंदर सिंप्लीफाई हो गया अब क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि हमें किस तरह पता चला कि यहाँ पे डॉट वन लिखना था तो ये है बाय एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस जब बोलियन बोलियन अल्जरा को यूज़ करते हुए हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कुछ और टेक्निक्स भी पढ़ेंगे तो वो आगे होपफुली वो आपको ज़्यादा ईजीली uh, समझ आ जाएंगी फंक्शन को सिम्प्लीफाई करने के लिए और मोस्ट कॉमनली यूज़ भी वही होती हैं और सबसे कॉमन टेक्निक है वो के मैप इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे तो के मैप से जब भी आप फंक्शन को स्टार्ट फंक्शन को सिम्प्लीफाई करते हैं तो उसमें एक एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है जिससे हम इजीली फंक्शन को सिम्प्लीफाई करते हैं लेकिन जब आप बोरीन अल्जब्रा को यूज़ करते हुए फ़ंक्शन को सिम्प्लीफाई करते हैं तो समटाइम्स आप उससे उसको सिम्प्लीफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि आपने बोरी अलजब्रा की प्रॉपर्टीज को किस तरह यूज़ करके फंक्शन को आप सिंपलीफाई कर रहे हैं ओके जी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास के टाइम पूछ सकते हैं थैंक यू अल्लाह हाफिज़